और अभी जाके अब माँ अंदर हल्ला भी कर रही है कि इतने बड़े बुढ़े घर में बैठे हुए हैं, एक काम नहीं होता बोल तुमसे। फ्री में देगी, पैसों में देगी, फ्री में काम मिलेगा यार, मतलब बेचने हैं क्या। चलो अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और भाई साहब को थोड़ा, तो माँ का गुस्सा देख के ना मुझे देखो कितने सारे आंसू आ गए और माँ बोल रही है कि ही ही आलू बता रहे हैं माँ के हाथ की फूली हुई मुड़े की मस्त रोटियां हैं और वाली देखने बाय पर है हमारी दीदी शुगर बीपी लो बीपी ज्यादा होगी। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 7 बज रहे हैं और अभी का जो मौसम है वो काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। ठंड की वजह से जिस हाथ से मैंने फ़ोन पकड़ा है वो बिल्कुल सुन्न हो गया है और मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही है। वीडियो की शुरुआत करने में ही मैंने अभी कई टेक ले लिए हैं, वो टेक मैं आपको दिखाऊंगा तो पूरी वीडियो उतने में ही कम्प्लीट हो जाएगी। और सुबह सुबह छत पर मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ ये चीज़ देखिए। तो पिछले 2 व्लॉग से आप मिस कर रहे थे हिमालय की इतनी लंबी चौड़ी श्रृंखला और सबसे ज़्यादा ये चौखम्मा पर्वत। और यहाँ अंदर देखिए पहाड़ी किचन हट्टी में अपनी माँ है और इधर अपने बापू जी है। ठंडा हो रहा है? अरे बहुत ठंड पड़ गई यार। कहना क्या चाहती है माँ? तो माँ बोल रही अपना पहाड़ी गीजर भी चूल्हे में चढ़ा हुआ है, पतीला उसमें पानी गर्म हो रहा है। वैसे हमारा तो कंटर होता था, अभी कंटर भाई नहीं चूना हो गया, चूना हो गया है। जैसे ही अभी मैं पहाड़ी किचन हट्टी में पहुंचा तो सीधे खाने का मन कर रहा है रोटियां, क्योंकि आज स्पेशल रोटियां माँ बना रही है। और कौन सी रोटियां है माँ? क्या बोलते हैं, मंडवे की रोटी। मंडवे की रोटी आज खास सब तो नहीं है पर थोड़ा बहुत मिक्स है। क्यों बन रही है आज? वैसे तुम बनाते नहीं कभी। आटा ही नहीं था हमारे यहाँ तो। यार देखो अब बिना आटे की कैसे रोटी बन रही है, तब जब आटा ही नहीं था। थोड़ा थोड़ा था ना, ऐसे बोलना गेहूं का आटा नहीं था, ऐसा ही होता तब शाम को बोलोगे तुम आटा नहीं है तो कहाँ से होगा तुम्हारे यहाँ आटा। तो ये देखिए सुबह सुबह आज ये देखिए मेरा रोटी खाने का एकदम मन कर रहा है, क्योंकि आज माँ के हाथ की फूली हुई मुंडवे की मस्त रोटियां हैं। और माँ ने बताया ये बनाने का रीज़न है क्योंकि आज आटा नहीं था, गेहूं का कल शाम को ख़त्म हो गया था, मतलब पता चला हमको कि ख़त्म हो गया है। तो माँ ने शाम को बोला तो उस टाइम में चक्की पे गया नहीं, क्योंकि शाम पर जाता तो फिर उस टाइम पिसता भी नहीं उतनी जल्दी। और चलो अच्छी बात ये हुई कि आटा घर में गेहूँ का था नहीं तो मंडवे की रोटी हमको खाने को मिली। वैसे मेरा बहुत मन करता है मंडवे की रोटी खाने का, लेकिन अपनी माँ का पता नहीं करता ही नहीं है, तो माँ बनाती ही नहीं है कभी। और साथ साथ में बापू जी का भी मेरा मन करता है। दांत नहीं है ना? अच्छा वो क्योंकि आप कड़क होते वो रोटी दादी के तो एक भी नहीं है। दादी ऐसा रोटी बनाते है कि ये एक भी नहीं है दांत। हाँ सुन लिया, अब क्या बोलोगे? दादा की भी नहीं थे दांत, पर खा देते ना। और आज के दिन की जो पहली रोटी है मंडवे की वो हम अपने बोटों को खिलाएंगे। बोटी आज मंडवे की रोटी खाएंगे, बोटी देखो कैसी नजर आ रही बोटी की। ले 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 ए बोटों को भी पसंद आ गई मंडवे की रोटी, सीधे खाना चालू कर चुका है। तो अभी मस्त नाश्ता नुश्ता करने के बाद पीठ पे बड़ा सा बैग लगा के मैं चल पड़ा हूँ अपने गांव के खूबसूरत से खेतों से अगस्त मुनि की ओर, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा बहुत काम भी है। और साथ साथ में भाई साहब को जो रेबीज के इंजेक्शन लग रहे थे तो आज भाई साहब को आखिरी इंजेक्शन लगने वाला है। और हमारे पास और आजकल शादी का सीजन चल रहा है बहुत तगड़ा, तो गाड़ी घोड़ी वाले सब वहीं पर बिजी हैं, तो गाड़ी वाला कोई जा नहीं रहा है, तो इसीलिए भाई साहब के साथ मुझे भी वहाँ पर जाना पड़ रहा है। और भाई साहब अभी घर ही पे हैं, पता नहीं कुछ काम कर रहे थे। तो चलो धीरे धीरे मैं अकेले अकेले चलता हूँ रोड की साइड, तो भाई साहब भी आते रहेंगे पीछे पीछे। तो भाई साहब का इंतज़ार मैं यहाँ पर कर रहा था, तो भाई साहब भी पहुँच गए हैं। और यहाँ से जो नज़ारे हैं वो देखिए,
बड़े खूबसूरत नजर आ रहे हैं। चलिए अपनी धनों के साथ हमारा जो सफ़र है आज का वो शुरू हो गया है और मौसम तो एकदम बढ़िया है लेकिन ठंड शुरू हो गई है तो बाइक में बड़ी ठंडी लग रही है अभी बैठते ही। तो चलो जी, जहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत मुझे होती थी यहाँ से नीचे और वहाँ पर ऊपर चढ़ने में, तो ये सब ठीक हो गया है। अब यहाँ इन्होंने ऊपर से रोड बना दी है तो अब सही हो गया सीधा सीधा। और यहाँ पर लगे हुए हैं हमारे नेपाली भाई बंधु। तो चलो, हमारे गांव की रोड का जो सफर है वो यहीं तक था। अब चलते हैं नेशनल हाईवे 107 केदारनाथ वाले पे। डर आ रहे यार तुम मेरे को। पहाड़ों की रानी, हिमगिरी एक्सप्रेस, नंदा देवी एक्सप्रेस। तो चलिए, अभी हम पहुंच चुके हैं विजयनगर अगस्त मुनि। आजी आइए आइए, आराम से आइए। चलो, अभी हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल और भाई साहब को थोड़ा सुई यहीं लगवाएंगे और उसके बाद ही निकलेंगे। तो भाई साहब सुई लगा के वापसी भी आ चुके हैं। बड़ी जल्दी यार, पहचान है तुम्हारे यहाँ? सब जगह पहचान है। तो चलो, अपनी धनों को मैंने यहाँ पर पार्क कर दिया है और जैसे ही मैं यहाँ पर पहुँचा तो सामने गलत चीज़ मुझे दिख गया। सुबह वहाँ पर चिता जल रही है, पर चलो ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हैं। इंसान यहाँ आया है तो जाएगा भी ज़रूर। और अभी गाड़ी पार्क करके मैं जा रहा हूँ दीदी के रूम पे, क्योंकि अभी घर भी क्या जाना है, अभी तो घर से आए हैं तो दीदी के साथ थोड़ा गपशप लगाएंगे, उसके बाद घर जाने की सोचेंगे। तो चलिए, अभी हम आ चुके हैं दीदी के रूम पे और यहाँ पर है हमारी दीदी और यहाँ पर भाई साहब। और यहाँ तो भाई साहब देखो, बुक्कड़ सॉस के साथ पराठे खा रहे हैं। खाना है, ठीक है? मैं खाता ही नहीं हूँ। ठीक है, अब दूंगा भी नहीं। ठीक है ठीक है, मुझे चाय मिल गई, वही बहुत है। तो चलिए, दीदी के साथ थोड़ा बहुत बैठ के गप सप लगा के हम एक बार फिर वापसी चल पड़े हैं अपने गांव के लिए। हेलो 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 बंदर सेना, हेलो ए हेलो हेलो। तो अगस्तमुनि से वापसी हमारी एक बार फिर हो चुकी है हमारे गांव के पैदल रास्ते पे। और बाइक चला के ना आज हालत ख़राब हो गई, इतना ज़्यादा ठंडा लगा ना, अभी भी बॉडी कांप रही है। मुझे नहीं लग रहा था कि इतना ठंडा बाइक चलाते हुए अभी से होगा, पर आज के बाद बिना जैकेट के कभी बाइक नहीं चलाऊंगा जब तक पूरी ठंड खत्म ना हो, मतलब गर्मी ना जाए। भोटी भोटी भोटी, ले फूल का, ले फूल का काका, बोटी। हाँ भाई, हाँ देख भी नहीं रहा। ठीक है ठीक है, तुमको देख रहा है, तुम ही खिलाओगे तो मेरे पास तो कुछ है नहीं। क्या हाल चाल? ठीक है ठीक है। हाँ चाची, आज सुबह बोल रही मेरे को कि आज इतनी जल्दी कैसे उठ गया बोले। हाँ मैं तो इतनी जल्दी कहाँ से उठा, क्यों उठा? आज बुआरी देखने गया था मैं। हाँ बुआरी देखने। बाय गॉड। हाँ हाँ, कसम होगी नहीं उम्र।
बुआरी देखने की लड़की देखने की उम्र हाँ चाहे तो लड़की तो होगी पर तो बहुत लड़की कहाँ देखा अब देख लिया अब जब झर फर होगा पता चल जाएगा तुमको भी ठीक है हाँ। चलो तब हैं थैंक यू और इधर अपने बापू जी भी आ गए क्या हाल चाल बढ़िया है फर्स्ट क्लास आपकी दुआ है बढ़िया है ठीक है फर्स्ट क्लास पक्की बात है हाँ पक्की बापू जी के बारे में एक बात बतानी थी लेकिन आज नहीं बताते चलो कल बताएंगे तब लोग सोचते रहेंगे क्या बताना है हाँ, वही तो बोल रहा हूँ एक स्पेशल चीज बतानी है दो कदम चल के जाओ पता लग जाएगा लोगों को हाँ। चलते हैं क्या अब बोलो फिलहाल अभी यहाँ पर माँ भी आ चुकी है ये देखिए चलो खाना खाए भूख लगे ए, क्या है मामा गड़े है चलो बात खा ठीक है ठीक है माँ इसको देख रही थी घड़ी लगा रही बोल तूने हाथ पे और आज खाने में आप देख सकते हैं भात है स्वादिष्ट खीरकंडे की सब्जी है और मेरी मनपसंद कड़ी तो अभी कड़ी चावल खा के बड़ा मजा आ गया और बाइक में मैं जैसे बोल रहा था कि ठंड अंदर घुस गई है पूरी बॉडी कांप रही है तो ठंड भगाने के लिए मैं छत पे आ रखा हूँ क्योंकि आजकल दिन भी अब ऐसे ही आ गए हैं कि छत पे आराम से दो घंटे धूप सेको जैसे कि यहाँ पर भाई साहब के द्वारा धूप सेकी जा रही है बिल्कुल देखो मंडप के ऊपर देखो पूरा लेटा हुआ है धूप सेकने के लिए इधर अपने बापू जी भी सोच में डूबे हुए हैं तड़स लग गई ज्यादा खा लिया और यहाँ दिखाऊं तो क्या चाहिए तेरे को आलू ये हमारे यहाँ आलू लेने आ रखी है और हमने खेत से जो आलू निकाले थे वो सारे यहाँ पर सुखाने के लिए डाले हुए हैं सारे तो नहीं है कुछ माने नीचे चौक पे भी रखे हुए हैं तो वो अभी यहाँ पर आ जाएंगे फिर आप लोगों को दिखाएंगे कितने सारे आलू हैं और आप लोग बोल ही रहे थे ना कि इन आलुओं का हम क्या करने वाले हैं इतने सारे आलुओं का वो माँ को पता होगा हमसे ज़्यादा तो जब माँ आएगी क्या क्या करेंगे वो बताएंगे जैसे कि ये भी आ रखी है बोल तो आलू दे दो आलू ले लो आलू नहीं दे दो दे दो तो ये देखिए अपनी माँ आलू लेके आ चुकी है कुछ और तो मैंने बोला था माँ से जानेंगे इतने आलूओं का हम क्या करने वाले हैं हाँ तो बताओ जी क्या करोगे आलूओं का खेत में नहीं लगाना खेत बड़ा कसा है उसमें लगाना बोल तूने आलू अच्छा और सगड़ू मैं क्या ना ये पाथे में क्यों भर रही है तब ये बता ये तनु के लिए फ्री में देगी पैसों में देगी फ्री में कहाँ मिलेगा यार मतलब बेचने हैं क्या तो आधा हिस्सा इसका हम ऐसे ही बेच देंगे और आधा हिस्सा माँ बोल ली है लगाने के लिए होंगे बल खेत में अगली बार के लिए तो सब्जी के लिए नहीं है क्यों कई बोल रहे थे कि आपके लिए मतलब सर्दियों की सब्जी हो गई बल माँ बोल ली है सब्जी के लिए है ही नहीं बल बोलो जी माँ बोलिए तुमसे पूछना बल क्यों नहीं है सब्जी लायक इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा दिन खेत में रह गए अब उन पे जो है हल्के हल्के पेड़ उग गए तो पेड़ उगने के बाद जो है वो जैसा बिजला टाइप हो जाता है गलते नहीं है सब्जी में उबलते नहीं है मतलब उबलते नहीं है काफी टाइम लगाते हैं या तो प्रेशर में उबालो कौका भी होते हैं अब कौका भी होते हैं गले में अजीब खराश है ना अब ये जो है उन्हें बीज के लिए रखा हुआ ठीक है इसको दूसरे साल जो है खेत में लगे आज की जानकारी को यहीं तक समाप्त करते हैं कब होगा बोने के लिए फरवरी मार्च में होगा अच्छा फरवरी मार्च में लगाएंगे ठीक है फिर इधर देखना माँ इधर देखना तू भी देख रहे इधर देख रहे इस्माइल माँ कुछ ही देख रहे हो आलू बेचने की हो गया उतना ही देना है आपको मैंने पहले बताया था कि पहाड़ों का जो तराजू है वो कुछ ऐसे ही होते हैं इसका नाम है हमारे यहाँ पाथा और एक पाथा होता है 2 किलो का और साथ साथ में इससे बड़े बड़े भी होते हैं कुछ बर्तन जैसे डोलना हो गया मण का हो गया बहुत सारी चीज़ें होती हैं और माँ बोले ख़राब भी हो गए बल आजकल पाला पुला गिर रहा है रे क्या हालत हो रही है इसकी और आप में से कई लोगों के कमेंट आए थे कि आप आलू बेचते हैं लेकिन बताते नहीं हो कितने रुपए किलो बेचते हैं वैसे मैंने पहले भी आपको बताया था और एक बार फिर बता देते हैं कि हमारे यहाँ जो आलू का रेट है वो है मात्र 25 रुपए किलो कभी कभार बढ़ के थोड़ा 30 हो जाता है लेकिन आजकल की बात करूँ तो आजकल 20 से 25 रुपए किलो ही हम बेचते हैं यहाँ से जाते हुए क्या बोल रहे हैं आलू ले लो बोल
बोलो ना आलू ले लो क्योंकि आपके घर से तो ले रहे। हाँ तो भी बोलेगी ना रास्ते में। दोस्तों अभी देखिए घना अंधेरा हो चुका है, टाइम की मैं बात करूं तो अभी 6:30 हो रहे हैं और दिन आजकल कितने छोटे हो गए हैं, 6:30 बजे ही इतना अंधेरा हो गया है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। और दिन में मैं जब आलू बेचने वाली ऐसी वीडियो शूट कर रहा था उसके बाद हल्का सिर दर्द हुआ और थोड़ा बुखार भी आ रहा था तो मैं गया बिस्तर के अंदर और ऐसी नींद आई कि फिर उठ ही नहीं पाया और जब उठा तो अंधेरा हो गया। और अभी मुझे याद आ रहा है कि माँ ने मुझे बोला था कि चक्की पे जाना शाम के टाइम पे, लेकिन मैं जैसे बोल रहा हूँ कि हल्का सिर दर्द और बुखार आ रहा था तो बिस्तर के अंदर मैं गया तो नींद आ गई और फिर भूल भी गया। और अभी जाके अब माँ अंदर हल्ला भी कर रही है कि इतने बड़े बुड्ढे घर में बैठे हुए हैं, एक काम नहीं होता बोल तुमसे। माँ का हल्ला सुन के देखो बोटो बिल्कुल चुपचाप हो गया। नहीं बोटो बोटो क्या हो गया बोटी, क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया बोटी, बता 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 भौंक। गुस्सा सेहत के लिए बहुत हानिकारक। गुस्सा नहीं रहा अभी माँ को इतना गुस्सा आ रहा है कि माँ की मस्त वाली हंसी हंसी क्या हिंदी भी चले गई है माँ। ले आज आटा नहीं समोसा खाओ। तो लोगों को जो मंडुए का आटा है वो मिल नहीं रहा है और अपनी माँ के हाल देखिए मजबूरी में हमको खाना ही पड़ेगा बस, क्या बोले तब। तो माँ का गुस्सा देख के ना मुझे देखो कितने सारे आंसू आ गए और माँ बोल रही है कि मंडुए का आटा हमको मजबूरी में खाना पड़ेगा, लोगों को मंडुए का आटा मिल नहीं रहा है और यहाँ किसी की मजबूरी हो रखी है मंडुए का आटा खाने की, तब क्या बोलना है ज्यादा। मजबूरी उनको होगी ना जो बीमारी हो गया, हम पर किसी पे नहीं है बीमारी। नहीं है बीमारी तुमसे ज्यादा बीमारी किसी पे है? ये हार्ट को तो पेड़ा है क्या पेड़ा, ये तो नहीं है शुगर है अलड़ा है फलड़ा है, बीपी लो होगी बीपी ज्यादा होगी वो तो नहीं है हमारे। MBBS कर रखा है। ठीक है वहाँ धुआं हो रहा है बहुत तगड़ा वाला इसीलिए इतने सारे आंसू आ रहे हैं मुझे बिना बात के। देखो कितने आंसू आ रहे हैं। तो चलो बहुत हो गई बात और अब मंडुए की रोटी बनाते हैं और उसका आनंद लेते हैं। आज सुबह ही मंडुए की रोटी खाई और रात को भी खाएंगे।